किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गोभी के कोफ्ते की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। ये हमने गोभी को इस तरीके से फूल के तोड़ लिए हैं, कीड़े देख लिए अच्छे से, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। और इसको एक दो पानी में धो करके रख लिए हैं। बेसन एक कटोरी छान करके रख लिया है। दो प्याज, एक हरी मिर्च, एक इंच अदरक का टुकड़ा, तीन चार लहसुन की कलियां, टमाटर, ये लाल मिर्ची घर की पिसी हुई है, कुटी हुई है, नमक स्वाद के अनुसार, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला। चलिए हम चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये हम फूल को इस तरीके से किसने इसको पीस लेंगे। इस तरीके से जो हमने गोभी ली थी ये किस दी है, ये देखिए इतनी महीन किस गई है, बढ़िया बारीक वाले से किसा है हमने। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। ये एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे गोभी जो हमने किस करके रखी। अब बेसन डाल देंगे, बेसन अभी इतना ही डाल रहे हैं, मिला करके पहले चेक कर लेंगे कि कितना लगेगा। हल्दी डाल देंगे, नमक एक चम्मच, नमक डाल रहे हैं। हमने घर में ही कूटी हुई मिर्ची वो वाली डाल रहे हैं इसमें। हरी मिर्च अगर आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इनको सब इस तरीके से हमने मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा पूरा अच्छे से मिल चुका है कोफ्ते की सामग्री। अब हम इसको रख देंगे साइड में और गैस पे पैन रखें। गैस पे पैन रख दिया और तेल चढ़ा दिया है। तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। थोड़ी देर हो गई है, तेल हमारा गर्म हो गया होगा, हीट आ रही है। थोड़ा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर लेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और अपने कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। ये इसमें से थोड़े थोड़े टुकड़े तोड़ेंगे इस तरीके से और इस तरीके से कोफ्ते बना लेंगे। और एक कोफ्ते हमने बना लिया, इसको इसमें डाल देंगे। पहले एक बार तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो उसके बाद गैस को मंदी कर देना है और मंदी गैस पे ही पूरे कोफ्ते बनाना है। और अगर आप तेज गैस पे बनाएंगे तो बाहर से तो ये देखिए पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से नहीं पकेंगे, इसलिए इसी तरीके से बनाना है। तो तेल को पहले गर्म हो जाने दीजिएगा इसके बाद, और इनको हम थोड़ी देर पकने देंगे। ये हमारे सारे कोफ्ते पक चुके थे तो हमने इसे निकाल लिया है एक छन्नी में इस तरीके से। इसका पूरा तेल जो है पूरा निकल गया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे फ्लेम में। और थोड़ा सा हमने इसमें तेल डाल दिया है, जो इसमें तेल था उसको हमने एक कटोरी में निकाल करके रख लिया है। और इतना थोड़ा सा तेल हमने बचा दिया है। सेम कढ़ाई का यूज कर रही हूँ, दूसरी कढ़ाई नहीं ली है। अब तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और यहीं पे डाल देंगे एक हरी मिर्च और ये अदरक लहसुन और प्याज। प्याज का कलर चेंज हो गया है, लहसुन और अदरक ये सब भी थोड़ा सा भून चुके हैं। अब हम यहीं पे डाल देंगे टमाटर। अब यहीं पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। इसे ढक करके रख देंगे ताकि हमारे टमाटर भी थोड़े से नरम हो जाए। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे, इसे चला लेंगे। ये हमारा पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे। ये हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन और अदरक जो इसको हमने छौंका था इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है इसमें और इसको तेज फ्लेम में चालू कर देंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो हम डाल देंगे पहले एक मिर्ची, लाल मिर्ची। अब यहीं पे डाल देंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। जब हम ये मसाले डाल रहे होंगे तो गैस को बिल्कुल मंदी रख देना है। गैस को हमने बिल्कुल मंदी कर दी है। अब डाल देंगे मसाला जो हमने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और टमाटर को हमने पीसा है सबको इकट्ठा। हम इसको डाल देंगे इसी में और इसे इस तरीके से मिला देंगे। गैस अभी भी हमारी मंदी है। ठंडियों में अच्छी अच्छी गोभी आती है, बिल्कुल उसमें ना कीड़े होते हैं ना कुछ, बढ़िया साफ आती है और अच्छी रहती है। तो नई नई डिश बनाना तो बनता है गोभी का। आप अच्छी अच्छी डिश बनाइए और खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कोफ्ते की सब्जी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करिएगा बना करके। आपने गोभी के पराठे खाए होंगे, पूरी खाई होगी, लेकिन
गोभी की कोफ्ते की सब्जी आपने नहीं बनाई होगी तो जरूर बनाइएगा। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल छोड़ने लगा है। ये चारों तरफ से आप हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला बाद में इसलिए डालते हैं ताकि इसकी खुशबू अच्छी रहे, बनी रहे। पहले से डाल देते हैं तो इसकी खुशबू उड़ जाती है। हम खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने ये गरम मसाला जो है घर में बनाया है, तो जो हम खड़े मसाले डालते हैं वो सारे मसाले मैंने इसी में पीस करके और रख लिया इकट्ठा, तो इसलिए मैं खड़े मसाले नहीं ऐड करती हूँ इस सब्जी में या अधिकांश कोई भी सब्जी में नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मैंने गरम मसाले में सारे खड़े मसाले डाल के रखा है। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। और ये नमक डाल देंगे, नमक ये आधा चम्मच ही डाल रही हूँ। नमक आप बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, क्योंकि पहले हमने कोफ्ते में नमक डाला था, फिर जो हमने लहसुन प्याज टमाटर ये सब छौंका था उसमें डाला था नमक, तो इसे ध्यान से बिल्कुल नमक डालना है, नहीं तो कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए। अब गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक उबाल नहीं आ जाए पानी में। और इसे खोल करके चेक करेंगे, ये देखिए एक उबाल आ गई है, पानी कैसे खोलने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते ताकि ये भी अच्छे से पक जाए इसी में, और इसे भी इस तरीके से चला देंगे, ढक करके रख देंगे और गैस को मंदी कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए और कोफ्ते भी अच्छे से पक जाए आराम से। इसी तरीके से धीमी आंच पे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, खोल करके हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी पक करके तैयार हो गई है, इसे खोल करके चेक करेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते भी अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसे धनिया पत्ती डाल देंगे, धनिया पत्ती डालने से सारी सब्जियों का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। डाल देंगे और इसे चला देंगे, इस तरीके से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी गोभी की कोफ्ते की सब्जी बनकर के तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।